जनपद अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना पर प्रशासन और पुलिस टीम द्वारा शुक्रवार सुबह मारा गया छापा। मौके से करीब 5 दर्जन महिला पुरुष मौजूद मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस कोतवाली लाई है। पकड़े गए लोगों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है। पुलिस को मौके से ईसाई धर्म की पुस्तकें और मोबाइल भी बरामद हुई हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया। छापेमारी के दौरान मौके पर आसपास के लोगों की काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। छापेमारी में एसडीएम अनुराग प्रसाद, सीओ शैलेंद्र भूषण तिवारी, कोतवाल श्याम सुंदर पांडे, तहसीलदार आर के वर्मा, एसएसआई वीर सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। बीकापुर कस्बे से सटे प्रयागराज हाईवे के किनारे चांदपुर में चल रहा था यह धर्म परिवर्तन करने का प्रयास। उक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर गांव में कुछ लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी बीकापुर में टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौजूद लोगों से जांच और पूछताछ में प्रथम दृष्टया धर्म परिवर्तन जैसी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया। विस्तृत जाँच और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। लाइव टीवी समाचार के लिए अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। थाना बीकापुर क्षेत्र के चांदपुर गांव के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। केशा देवी नाम की महिला के मकान में कुछ लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं और वहां पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। प्राप्त जानकारी पे क्षेत्राधिकारी बीकापुर तथा पुलिस टीम वहां पे मौके पर पहुँची और लोगों को ला के उनसे पूछताछ की गई। अभी तक ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इतलाल कोरी और रविंद्र कुमार कोरी वहाँ पे उपस्थित थे और आसपास के गांव से कई पुरुष और महिलाएं वहाँ पे इकट्ठा हुई थी और ये एक पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित प्रार्थना सभा वहाँ कर रहे थे। लोगों का ये वहाँ मानना था कि इस तरह के प्रार्थना से हमारे रोग तथा अन्य व्याधियाँ ठीक हो रही हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा अब तक की पूछताछ में ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है या धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया है, लेकिन धारा 144 इन्फोर्स है, वहाँ बिना किसी अनुमति के भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके इस तरह की सभा करना ये कानूनन जुर्म है। साथ ही साथ एक बहुत ही कन्फाइंड प्लेस में, कंजेस्टेड प्लेस में इतने संख्या में लोग इकट्ठा होना ये कोविड का वायलेशन है। इस संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आरोप लगे हैं उनके बारे में डिटेल्ड जांच की जा रही है। आगे जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप फर्दर लीगल एक्शन लिया जाएगा। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।